भैया मेरी छोटी मदद कर दे। बोलिए भाई साहब। भैया मेरा फोन भी पर्स बस में चला गया, एक 50 रुपए रहे तो देते। रुकिए भैया मैं देता हूँ। अरे तू रुक रे, ये पूरे शराब पीने के लिए बहाने। नहीं हो तो भैया मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर में मेरा गाँव है। ठीक है भैया आप आगे गाड़ी बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देते। अरे तू रुक रे, इसको बोले उसको गाड़ी बैठा लेता। पीवोट लोग शराब के लिए ऐसे पैसा मांगते रहे। अरे ये उन्हें इतनी रे, एक घंटे पहले पैसा मांगा था। अरे हाँ रे, 10 किलोमीटर चले तो आया। अरे भैया वो सही रे, भाई गलत समझ लिया। 10 किलोमीटर चल तो ना है भैया। सॉरी भैया मैं तुम पीने के लिए पैसे मांग रहे समझ लिया। कोई बात नहीं भैया, सभी लोग एक जैसे होते हैं बोल के कभी मत समझना प्लीज। अरे भाई तू कब भी व्हाट्सएप स्टेटस पे टेस्ट मैसेज क्या रखता रे? अरे अब मैं नॉर्मल वीडियो रखम समझ, वीडियो तो भी फोटो तो भी रखे तो सब लोग हटा देते, वही मैं टेस्ट मैसेज रखा समझ, सब लोग क्या है बोल के पढ़ते रे। हाँ हाँ रे सही है। अरे मेरे को आज क्या टेस्ट लिखने की समय नहीं आ रहा रे। अरे मैं बोलता हूँ तू टाइप कर रहे। हाँ फिर बोल बोल। काम ऐसा करो, आगे वाले सामने से आके कहे हमें, तू रहने दे हम कर लेंगे। No. तो हे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कड़म डैम देखने। घर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर में है। रास्ते में एकदम मस्त हरा भरा जंगल देखते हुए ठंडी हवा खाते हुए कड़म डैम को पहुंच गए। ज्यादा बारिश होने से पानी एकदम फुल था और यहाँ पर डैम का गेट एक खुला था जो मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। पानी की आवाज सुनकर एकदम सुकून से एक एक कदम डालते हुए चलकर लोकेशन को देखते हुए एकदम मजा आ गया। और यहाँ पर मेरा छोटा भाई नाच रहा था। और यहाँ पर कुछ फोटोज खींचने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो गई और हम लोग निकल पड़े दूसरे लोकेशन की। और दूसरे लोकेशन पर हम लोग कहां जा रहे हैं ये देखने के लिए व्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे रख देना।